Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस वक्त जो आपकी इकोनॉमी की स्टेट है, जो आपको ईस्टर्न साइड पर आपके इंडिया आपको थ्रेट दे रहा है कि मार्च में पाकिस्तान का अल्लाह ना करे टुकड़े कर देंगे, उधर से वेस्टर्न साइड से आपको नजर आ रहा है रॉ और इंटेलिजेंस का जो इंडिया अफगान का नेक्सस है वो नजर आ रहा है, फिर अफगान ट्रंप पॉलिसी आपके सामने है, वॉर ऑन टेरर आप कर रहे हैं, तो ये चीजें क्यों नहीं, सारा ब्लेम आर्मी पर आएगा, खुदा ना खासा ये हो जाता है। देखिए मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन, अगर अल्लाह ना करे आपकी फौज जो कि इंडियन चाहते हैं और बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि फौज और अवाम को आपस में दूर कर दो, इनमें जो एतमाद है उसको कमजोर कर दो ताकि फौज ऑटोमेटिकली कमजोर हो, ये नैरेटिव को हमारी हुकूमत ने हमें सपोर्ट करना है फौज को, ताकि ये दो तीन कौमी इदारे जो बचे हुए हैं इसको किससे सपोर्ट करना है, ये इश्यूज हैं जिनका खदशात हैं, जो उन्होंने इल्म बिल्ड खामोशी से कन्वे किए हैं, जो लेकिन जो वहां पर समझते हैं एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड द मैसेज दैट ही इज अपसेट। तो आपकी इकोनॉमी नजर आ रही है, आपके पास 3 महीने का नहीं है इम्पोर्ट बिल नहीं है आपके पास, आप क्या करेंगे, और आपको IMF वर्ल्ड बैंक के जो भी नजर आ रहे हैं ट्रंप पॉलिसी की वजह से दे आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एवरीथिंग, वी शुड नॉट लुक टुवर्ड चाइना, जी चाइना हमें सपोर्ट करेगा और हम ये करेगा, एवरीबडी वॉन्ट उसका पैसा डूबे डूबता नजर आता है, अगर यहां से वो आपको लोन भी देते हैं IMF वर्ल्ड बैंक उनको नजर आ रहा है ये पैसा तो जा रहा है, पैसा मिलेगा कहां से, IMF वर्ल्ड बैंक उस वक्त पैसा देते हैं जब हमको उम्मीद होती है कि हमें ये पैसा वापस मिल जाएगा, या वो आपको वो पैसा देते हैं फिर ये रिकवर हो सकता है, आप उनको वापस करते हैं वो भी नहीं उम्मीद है, दिस इज द इशू। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर अगर आर्मी चीफ को ये कहना पड़ रहा है तो यकीनन इसकी कुछ वजूहत भी होंगी। इजहार साहब मुझे आप भी शायद कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, और दूसरा ये भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा जो पिछले जवाब में रह गई थी कि जो हमारी आर्मी है जो डिफेंस की लाइन है उनकी जो बजटिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आप उस वक्त इशारा कर रहे थे कि इनकी बजटिंग के लिए खास अमाउंट हर सूरत में गवर्नमेंट को चाहिए होता है। देखिए मैंने 4 साल तो एज मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल मुसल्ला अफवाज का बजट तकसीम किया है, खर्च किया है, और 4 साल एज एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस मैंने वो बजट बनाया है और दिया है। आर्मी के जो खदशात इसलिए हैं कि उनके यहाँ एक तो ऑब्लिगेटरी चार्जेस होते हैं जो किसी सूरत में बंद नहीं हो सकते, वो उसमें तनख्वाह है, सैलरीज हैं, और उसमें खुराक है और उसमें दवाएं हैं, सैलरीज भी कह रहे हैं सैलरीज, अच्छा वो देखिए मैंने तनख्वाहें का कहा है, अब जो सियाचिन में बैठा है जो वजीरिस्तान में बैठा है उसके बच्चों को अगर आप पीछे तनख्वाह नहीं देंगे, उसको वहां अगर आप खाना नहीं देंगे, उसको अगर आप दवाई नहीं देंगे तो वो कैसे चलेगा। एक तो ये ऑब्लिगेटरी चार्जेज इनको इसलिए कहते हैं कि ये मस्ट है, आपके पास बजट है या नहीं है उसकी जिंदगी का सवाल है। दूसरा गुम्मन साहब जो हमारा डिफेंस का हम बाहर से सामान लाते हैं वो ये नहीं होता कि पूरी खेप हमने एक दफा ले ली है, वो खेप होती है स्प्रेड ओवर 2-3 ईयर्स, उसको हम कहते हैं कि हमने फर्ज करें हमने चाइना से सामान लिया है तो उसको हम कमिट कर लेते हैं कि 3 साल हम आपको ये पैसे देंगे, इस साल हम इतने पैसे दे रहे हैं, वो पाइपलाइन में है, इसका मतलब यह है कि आप बंधे जा चुके हैं अगले 3 साल की, इसको कमिटमेंट कहते हैं। तो अगर वो पैसे हम नहीं आएंगे तो हमारे जो मुआहदे हैं हमारे जो LC खुले हुए हैं उनका क्या होगा। तो आर्मी एक देखे इट इज वॉकिंग ऑन टाइट रोप, और ये जो हम सिविल में लोग बैठे हुए हैं हमें उसकी नजाकत का और उसकी अहमियत का एहसास नहीं हो सकता। आप देखें कि जो कारगिल पर बैठा हुआ है उसकी सूरत हाल क्या है, और जो यहां ऐवान में बैठा है अपने एयर कंडीशन वजीर आजम हाउस में या लॉज में बैठा है उसकी क्या सूरत हाल है। अब ये सारे मसायल आर्मी चीफ के सर पर हैं, खुदा न खास्ता थोड़ी सी डिले हो जाए, अगर तनख्वाहों में डिले हो जाए, पेंशन्स में डिले हो जाए, उसके घर वालों का अगर कोई मसला हो जाए तो फौज का मुराल अगर डाउन हो जाएगा तो आपकी कौन हिफाजत करेगा।